ग्वालियर की ऐतिहासिक परसारी नदी जो कि अब मुरार नदी नाला के नाम से जाना जाती है, इसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयास के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर 40 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। ऐसे में प्रोजेक्ट को गति देने जिला प्रशासन नगर निगम द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर की इस प्राचीन नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लगातार मुरार नदी का अवलोकन, निरीक्षण और परीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में हुरावली से कालपी ब्रिज तक मुरार नदी का आयुक्त नगर निगम द्वारा दौरा किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुरार नदी का रिजुवनेशन एक प्लान बनाया था जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है, मतलब वही डिपार्टमेंट उसको टेकअप किया हुआ है। इसमें लगभग 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसकी DPR फाइल हो चुकी है, जिसका टेंडर प्रोसेस अभी चल रहा है, टेंडर्स आ चुके हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें लगभग 1.5 साल का समय लगेगा उसमें काम पूरा होने में। हमने जो पहले इनिशियली 3 साल का प्रोजेक्ट था उसको 1.5 साल किया है। हमने कहा कि मौके पर कोई समस्या नहीं आने देंगे कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि काम स्पीड से चले, क्योंकि ग्वालियर की जनता और विशेष रूप से हमारे गोयल साहब इसमें बहुत समय से लगे हुए थे, तो मुझे लगता है कि ग्वालियर को एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है आने वाले समय में। हम प्रयास करेंगे कि इसको मौके पर कोई समस्या नहीं आए, जहाँ पे अतिक्रमण वो टूट जाए, कुछ लोग से हो सकता है ज़मीन का अपन भूदान भी मांगे, तो एक ग्वालियर को अच्छी देन देगी। यहाँ पे वाटर रिचार्ज रहेगा, आसपास पे वॉक करने का भी पैसेज रहेगा, और फ्यूचर में हमारा ये package 1 है, इससे हम package 2 की भी बात कर रहे हैं। अभी से हमने ऊपर रिक्वेस्ट भी की हुई है कि जो हमारा एरिया बच जाएगा उसमें हम package 2 के तहत कुछ और काम कराना चाहते हैं, ताकि ये पूरा का पूरा 12.3 किलोमीटर एरिया हमारा अच्छा रहे। 40 साल पहले ये बैसाली नदी इतनी सुंदर नदी थी कि इसमें नीला पानी बहता था, और उस सुंदर पानी में हमारे मुरार क्षेत्र की और ठाड़ी पिछड़ी जनता स्नान करती थी। जैसा गंगा का पानी स्वच्छ है ना, ऐसा पानी स्वच्छ था। 40 सालों बाद स्थितियाँ बदली हैं कि तमाम सारी सीवर का पानी इस नदी में आ गया है, तो पानी गंदा हो गया है। हमारे निगम आयुक्त के प्रयासों से उन्होंने विशेष इसमें रुचि ली है, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया है, 40 करोड़ रुपया पहली किस्त में आ रहा है। मुझे लगता है कि मुरार क्षेत्र की जनता का सपना था कि हमारी मुरार नदी साफ़ सुथरी स्वच्छ बने, इसमें एक बार गंगा जैसा निर्मल जल आ जाए, वो समय आ गया है। सरकार के प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से ये निश्चित ही बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। हमारा प्रयास है कि मुरार के अंदर एक बार फिर साफ पानी आ जाए, जो हमारा सीवर का पानी है वो लालटी पारे पर ST प्लांट लग गया है, सारा सीवर का पानी ST प्लांट में चला जाएगा और रमुआ से साफ पानी इसमें आएगा, तो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को और आयुक्त साहब को